आज फिर तुम पे प्यार आया है। विनोद खन्ना ने माधुरी से प्यार करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी, फिर दोबारा क्यों बनवाई थी गाना? खैर बेटा, कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें सुन के ऐसा लगता है कि पहले भी सुन चुकी हूँ। जैसे डेजा वू के बारे में आप जानते हैं, मुझे डेजा सू होता है, एक गाना है ना, चिट्टियां कलाइया वे हो बेबी मेरी तेरे हिस्से आइया वे, चिट्टियां कलाइया वे हो बेबी मेरी तेरे हिस्से आइया वे, मन जावे हो मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे हो मैनू पिक्चर दिखा दे, अपना बना ले मोहे बाल मां, गोरी है कलाइया चुला दे मुझे हरी हरी चूड़ी, गानों को छोड़ के और बाकी भी बहुत अच्छे ओरिजिनल अच्छे गाने बनते हैं। हाँ हाँ, अरे एक वो गाना भी है ना, वो क्या है, स्केल देना बेटा, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा। नहीं, ये गाना अच्छा है लेकिन इसका मूड थोड़ा अच्छा नहीं, मतलब जैसे मरने की बात है तो थोड़ा इमोशन और होना चाहिए, मतलब मैं होती तो मैं ऐसे गाती, जी मैनू यार ना मिले दीदी को बीच में थोड़ा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया था अचानक। नहीं बेटा, अपग्रेड कर रही हूँ अपने आप को जमाने के हिसाब से। अपग्रेड कर रही है? टैबलेट इतनी सी होती थी, आज इतनी बड़ी हो गई है। तो खैर, तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं? हाँ जी, अंदर जरूर। लोग सोचते हैं कि मैं आइटम नंबर नहीं गा सकती, गलत है। सही बात है, आजकल तो आइटम नंबर्स का ही जमाना है, यू नो, बेबी डॉल एंड पिंक लिप्स और यू नो। अरे बिल्कुल सही कह रही हो, बेबी डॉल ये गाना मतलब बहुत चलन में है आजकल। बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ अगर हमारे जमाने में ये लिरिक्स होते तो मैं कैसे गाती। हम भी जानने के लिए उत्सुक हैं। ये राहुल अभी गेटअप में हो ना, इसलिए बाद में मिलना पीछे। हाँ, एक गाना आया था बेटा, ये आइटम नंबर की बात कर रही थी, ये आजी अतुल रगड़ा पैटिस जैसी जोड़ी आए थे मेरे पास। अच्छा, चिकनी चमेली गवाने भाई, मैं तो लिरिक्स पढ़ते ही मूड समझ गई गाने का और गा दिया मैंने। चिकनी चमेली आई बहुआ चढ़ा के आई, बहुआ बहुआ बहुआ। चीयर्स। क्या बात है, क्या बात है। चीयर्स। हमारे
हमारे जमाने में सिंगर्स बेहतरीन एक्टर्स हुआ करते थे, जैसे किशोर दादा, वो ऊपर वाले का कमाल था। आज की तारीख में भाई एक्टर्स बेहतरीन सिंगर्स हो रहे हैं, ये ऑटो ट्यूनर का कमाल है। एक बार दो तालियां ऑटो ट्यूनर के लिए हो जाए। मेलोडाइन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई कुछ अलग करने के चक्कर में म्यूजिक डायरेक्टर्स एक्टर्स से प्लेबैक करवा रहे हैं। प्लेबैक, अरे आलिया बेटी कहाँ गई, उसको बता दो प्लेबैक का मतलब पर्दे के पीछे गाना होता है, पीछे खेलना नहीं होता। उषा जी नमस्कार, बहुत लव यू, मतलब क्या बात। उषा जी के बारे में एक बात बताऊं, अंदर की बात है, सॉरी। जरा एक पिक्चर आई थी सन ऑफ ए पाई एंड लाइफ ऑफ सरदार। नहीं 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 नहीं, लाइफ ऑफ पाई और सन ऑफ सरदार क्या फर्क पड़ता है, उम्र हो गई है ना। तो सन ऑफ सरदार का एक गाना था, रानी तो मैं राजा वो, है ना जी, जी, वो गाना पहले सोनाक्षी सिन्हा की आवाज के लिए उषा बहन को अप्रोच किया गया था। क्या है, मैं बहुत खुश हुई बेटा, मैं फूली नहीं समाई। मुझे लगा कि भाई बॉडी को वॉइस तो मिलती रहती है, पहली बार वॉइस को सही बॉडी मिलेगी। बहुत प्यारा गाती उषा। तुम्हारे तो भाई फैंस हैं हर जगह, उषा फैंस। बहुत प्यारा गाया, मैंने सुना था रिकॉर्डिंग, मैं गा के बताती हूँ। Rani tu mein raja ja, sing it up everybody, ba ba ba, na 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 ni ma ba ba bua. Hey, Rani tu mein raja ja, sing it up everybody, ba ba ba, ma 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 mi wa sa sa bua. Kya baat hai didi? Phir kya hua? Phir kya? Bhai, pata hi nahi chala kab gana inse leke Mika se gawa liya. मतलब मैंने कहा कि भाई मेल वॉइस की ही जरूरत थी, तो इतनी जोरदार आवाज क्या कम थी। छोड़ो, फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक बार तो म्यूजिक डायरेक्टर्स चले गए, आजकल की हिट एक्ट्रेस, वो क्या क्वीन की हीरोइन, वो कंगना, कंगना, कंगना के पास चले गए कि प्लेबैक करे। अब कंगना के पास गए तो उसने इनको देखते ही बोल दिया, देखिए मैं तो सिर्फ अपना गाना ही गाते हूँ, मैं किसी और का गाना गा नहीं सकती हूँ, बिकॉज यू नो आई हैव द टोटल कवर वे करते। देखिए मैं अपना गाना गाऊंगी, लेकिन आपको नीचे सब टाइटल्स होने जरूरी है, मतलब सब टाइट होने चाहिए। ओके, यू गॉट इट। ओके, म्यूजिक कम ऑन। फिर क्या हुआ? पानी पानी हो गए म्यूजिक डायरेक्टर।